हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास है मोटो जी फोर प्ले जिसका चार्जिंग पिन चेंज करने वाले हैं आज हम। तो इसका चार्जिंग पिन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इसके बैक को ओपन करना है। अब देख पा रहे हैं, एंड आपको इसके स्क्रू को ओपन करना है। उसके बाद आप पहले बैटरी को रिमूव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको अच्छे से स्क्रू ओपन करने के बाद आप यहीं से सिर्फ चार स्क्रू ओपन करने के बाद आप आसानी से चार्जिंग बोर्ड को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा फ़ोन खोलने का ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले आपको डिसकनेक्ट करना है। देख पा रहे हैं चार्जिंग बोर्ड है। सबसे पहले आपको नेटवर्क का वायर डिसकनेक्ट करना है एंड डॉटर बोर्ड का कनेक्टर को डिसकनेक्ट करना है। ओके, एंड वाइब्रेटर भी है, उसको भी आपको डिसकनेक्ट करना है। अब देख पा रहे हैं आप, इस वक्त मेरे हाथ में है मोटो जी फोर प्ले का चार्जिंग बोर्ड जिसका पिन हम लोग चेंज करने वाले हैं। ओके, चार्जिंग बोर्ड है, चार्जिंग पिन है, ये इसको चेंज करेंगे हम। तो चलते हैं चेंज करने का प्रोसेस में। कोई भी चार्जिंग पिन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले उसको, उसके चार लेग होते हैं, चारों लेग में अच्छे से आयरन से थोड़ा हीट कर देना पड़ता है। उसके बाद आपको ब्लोअर की मदद से इसको पिन का एकदम ऊपर से चारों तरफ इसको प्रॉपरली फोर लेग्स पे, चारों लेग्स पे इसको प्रॉपरली हीटिंग करना है। हीटिंग करते वक्त आपका हीट एंड एयर दोनों जो है फुल होना चाहिए, तभी जल्दी से पिन रिमूव होगा। पिन रिमूव करते वक्त आपको ध्यान देना है कि हीटिंग जो है आपका जो है सिर्फ और सिर्फ पिन पे ही होना चाहिए। देख पा रहे चार्जिंग पिन बहुत ही आसानी से रिमूव हो चुका है विद इन 1 मिनट। अब देख पा रहे चार्जिंग बोर्ड मेरे हाथ में है जिसमें अभी पिन नहीं है, इसमें न्यू पिन फिक्स करेंगे हम। न्यू पिन फिक्स करने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आयरन की मदद से इसको क्लीन कर लेना है। अब देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसी इसी तरीके से आपको करना है। ये वीडियो मेरा ख़ास तौर से बिगिनर के लिए है, जो लोग नए मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, उनके लिए। अब काम करना है डिसोल्डर के मदद से जो फोर लेग्स हैं उसको होल कर लेना है अच्छे से, जिसमें अच्छे से न्यू पिन को फिक्स किया जा सके। अब जो है आपको थिनर एंड कॉटन की मदद से आपको अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। इसको अच्छे से एकदम क्लीन कर लेना है एंड अब इसमें जो है एकदम सेम टू सेम हमको न्यू पिन निकालना है। इत्तेफाक से मेरे पास ये जो पिन है इसका सिर्फ लास्ट पीस बचा है। न्यू पिन को मैंने निकाल लिया है, देखिए देख पा रहे दोनों पिन सेम है। अब जो है जल्दी से पिन को जो है वक्त ज़ाया ना करते हुए पिन को उल्टा करके पिन का पांचों पिन में जो है आयरन के मदद से पेस्टिंग करना है, रंगा लगाना है, ताकि ये प्रॉपरली बोर्ड में जो है, बोर्ड में जो 5 पिन होता है उसमें प्रॉपरली सोल्डिंग हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है पिन जो है बहुत जल्दी जो है लूज हो जाता है एंड पिन जो है फ़ोन जो है चार्ज नहीं लेता है। इसलिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा करना मस्ट है। अब देख पा रहे हैं पिन में बिल्कुल ऐसी तरीक़े से पांचों पिन में मैंने रंगा लगा दिया है। अब इसको करते हैं बोर्ड में फिक्स। देखिए फोर लेग्स को डिसोल्डर से मैंने होल कर दिया था, इसमें पिन जो है बोर्ड में फिक्स हो गया। अब उल्टा करके चारों लेग में इसमें रंगा लगा लेना है, आयरन की मदद से इसको सोल्डिंग कर देना है। पहले देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से, आप अगर ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मोटो जी फोर प्ले, मोटो ई थ्री पावर एंड बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन का चार्जिंग पिन बनाना आप सीख जाएंगे सिर्फ एक वीडियो देख के। आप देख पा रहे हैं इसको जितना मजबूत कर सकना था कर दिए हैं। अब इसको आगे से पिन को सीधा करने के बाद ऊपर से भी इसको अच्छे से हल्का हल्का सोल्डिंग कर देना ताकि पिन जो है बहुत मजबूत हो सके। अभी सिर्फ मेरा काम हो रहा है सिर्फ मजबूती करना, पिन मेरा बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अब करेंगे पांचों पिन को सोल्डिंग, जो कि ये एकदम सेपरेट होना चाहिए। दोनों पांचों पिन कोई भी पिन एक दूसरे से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए। बोर्ड में भी पांच पिन होता है, पिन में भी पांच पिन होता है, पांचों अपने अपने जगह पे प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। अब देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। और ये करते वक्त आपको ये भी ध्यान देना है कि अगल बगल का कोई भी पार्ट्स जो है डैमेज ना हो जाए। आप देख पा रहे हैं कितने परफेक्ट तरीके से मैंने इसको फिक्स किया है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पांचों पिन एक दूसरे में सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, मैं जूम करके दिखाने का कोशिश। अब देख पा रहे हैं पाँचों का पाँचों पिन अलग अलग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सोल्डिंग कर लेना है। अब इसको करना है बोर्ड में फिक्स। अब चेक करते हैं कि क्या मेरा फ़ोन जो है, फ़ोन का जो न्यू पिन जो मैंने रिप्लेस किया है, क्या वो परफेक्टली फिट हुआ है, इसमें फिक्स हुआ है। इसको प्रॉपरली पहले मैंने बोर्ड में फिक्स किया है एंड कनेक्टर को पहले फिट करूँगा। एंड इसको बोला जाता है नेटवर्क का वायर, इसको आपको फिक्स कर लेना, क्योंकि अगर ये गलती से अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे, फिट नहीं करेंगे, तो नेटवर्क आपका बहुत वीक आएगा। यानी कि अगर घर के बाहर निकलते हैं तो नेटवर्क आएगा, घर में जाने से नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, अगर इस ऐसा कोई बोलता है कि भाई नेटवर्क मेरा घर में नहीं रहता, बाहर में आने से नेटवर्क रहता है, तो इस कंडीशन में आप उसका फ़ोन खोल के आप चेक कर सकते हैं कि कहीं नेटवर्क का वायर जो है कहीं डिसकनेक्ट तो नहीं हो गया है। देख पा रहे अब मेरा काम हो चुका है, मैंने इसको फिक्स कर लिया है, बैटरी भी लगा दिया है। अब इसको करेंगे हम लोग चेक, टेस्टिंग करेंगे चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले फ़ोन को बिना ऑन किए हुए इसको चार्ज में लगा देते हैं, क्योंकि अगर फ़ोन पिन मेरा परफेक्टली फिट हुआ होगा तो चार्ज लेगा। अब देख पा रहे फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है, यानी चार्ज ले रहा है। आई थिंक थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा चार्ज ले रहा है कि नहीं। देख पा रहे हैं मोटो जी फोर प्ले चार्ज में लगा, देखिए 24% चार्ज एंड ये चार्ज ले रहा है।